फ्रेंड्स बैक टू होम, हम घर आ गए वापस सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि वखरजना रब्बीना वाल रब्बीना तवक्कलना। ठीक है, अब हम अपने घर में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम फिर हाजिर हो गए। अब जो है ना नाश्ते का टाइम हो रहा है बच्चों का, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम बाहर गए हुए थे, वही वैक्सीन के लिए गए हुए थे आपको पता है, और इसलिए नाश्ता थोड़ा इनका लेट हो गया। तो आज इनकी चॉइस पे इनको ब्रेड और ब्रेड के ऊपर चीज़ लगा के दी गई है। चलो बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए आप लोग। ज़ैनब आपका फिनिश हो गया? जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आशा का भी थोड़ा सा है, ऑलवेज इनाया का भी अभी थोड़ा सा है, और मेरा भी फिनिश हो चुका है ब्लैक टी साथ में। अच्छा, आयशा साहबा तो जो कल उन्होंने वुड पे जो मैं पेंटिंग की थी वो थी आप लोगों को दिखाना चाह रही हैं, और ये दोनों क्ले खेल रही हैं, क्ले के साथ खेल रही हैं थोड़ा सा। ओ अच्छा, और मैं मोहम्मद को सुलाने के लिए बैठी हुई हूँ, ये थोड़ा सा सो जाए, फिर उसके बाद आयशा और इनाया की क्लास स्टार्ट होती है 1:15 पे। 1:15 पे कुरान की क्लास इनकी स्टार्ट होती है, 2:15 पे ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद इनकी 3:00 स्कूल की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है, फिर ये लोग फ्री होती हैं 5:30 पे, फ्री हो जाती हैं, फिर उसके बाद खाना वाना लेके डिनर विनर करके फिर उसके बाद ये थोड़ा सा खेलते हैं, दूध वूध पीते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, सो जाते हैं फिर, क्योंकि बाहर तो कभी कभार जब वीकेंड होता है तो वीकेंड पे निकलते हैं, वीक डेज में तो कभी कभी ही बाहर निकलना होता है क्योंकि इनकी रूटीन काफ़ी टफ होती है। ये अभी आपको भी इसमें पता चल जाएगा। दिखाइए आप अपनी पेंटिंग जो आपने कल की थी। मैंने पीछे किया है आयशा अदीलिहा, और यहाँ मैंने पूरा किया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। ये पिंजर बन गया। क्या बन गया? पिंजर। पिंजर ऐसे थोड़ी बनता है, पिज्जा। अच्छा, ज़ैनब ने पिज्जा बनाया है भाई। मैंने लड्डू बनाया। इनाया ने लड्डू बनाया। ज़ैनब शेयर करो ना बेटा, आप ही के साथ शेयर करो। क्यों शेयर नहीं करनी है आपको? थोड़ी सी क्ले आप ही के साथ शेयर करो जल्दी से। क्यों? ये जो आपियाँ होती हैं ना बड़ी वाली, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ये ज़ैनब का फेस वॉश करवा रही है, और ज़ैनब को चेयर चाहिए थी, आपी ने चेयर भी ला के दी है। मेरी जो का बड़ी बेटी है, ये आयशा मेरी बड़ी बेटी, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प करती है मम्मा की, और इन दोनों का ख्याल भी बहुत रखती है। ये आप लोगों को ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। कर ली ज़ैनब ने शेयर आपके साथ के लिए। थैंक यू बोलो आयशा को, उसको ज़ैनब को। वेरी गुड, शेयर किया करो ना एक दूसरे से चीज़ें। थोड़ा ज़ैनब का
रहता है चीज़ें शेयर करने में प्रॉब्लम, लेकिन कर लेती है, छोटी है ना। ये जारा ने क्या बनाया है? मैंने आपने क्ले से क्या बनाया है दिखाइए। एक स्नोमैन बनाया है इसका बेबी। ये स्नोमैन तो नहीं लग रहा मुझे, ये तो काफी खतरनाक कुछ और इसका डरोना बेबी सा दिख रहा है। क्या बनाया आपने? एक भूत। एलियन लग रहा है ये तो मुझे। हाँ, एलियन है और इसका बेबी भी होता है ना। काफी कलरफुल एलियन बनाया है इनाया ने तो, है इनाया। के और जैनब ने क्या बनाया अभी तक? जैनब आपने क्या बनाया क्ले से? ये क्या है? बाऊ बाऊ बनाया है इना जैनब ने तो, बाऊ बनाया है। ठीक है। और आयश, हाँ कौन सा बनाया? डॉक्टर वाला बाऊ बनाया। अच्छा, और आप ही ने क्या बनाया? आपी नेल्स बनाए आप ही ने। आके दिखाइए जरा, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। अच्छा जी, और आयशा, आयशा ने क्या बनाया है? नेल्स बनाए हैं जो आयशा के फेवरेट हैं, कलरफुल नेल्स होने चाहिए। दिखाइए, काफी खौफनाक बनाया आपने। खाना है क्या, पीना है, बताइए जल्दी से। बनाना वाला मिल्क शेक। चलिए, ये थोड़ा सा टुन टुन सी हो रही हैं, सुस्त हो रही हैं, तो क्ले से भी खेल चुकी हैं, तो मुझे लगा कि चलो मोहम्मद भी सो रहे हैं, मेरे पास भी फुर्सत है, तो मैं बच्चों को कुछ बना के दे देती हूँ। तो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाना मिल्क शेक बना के इनको देती हूँ, काफ़ी बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। अच्छा जी, मैंने इसमें डाले हैं दो बनानास, टू बनानास, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं इलायची, पिसी हुई इलायची थोड़ी सी, ताकि और थोड़ी सी इसमें जान डालूंगी मैं थोड़ी सी शुगर हल्की सी, ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए। बच्चों को, बच्चों का फेवरेट होता है थोड़ा सा मीठा, और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है मिल्क। ये जैनब, जो आप पानी पी लो। जैनब से गिलास टूट गया था, किचन में गई थी पानी पीने के लिए और इनसे जो गिलास टूट गया था, तो काफ़ी टेंस हो गई हैं जैनब। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, टूट गया गिलास, इट्स ओके, कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, और गिलास आ जाएंगे बेटा। पानी पी लो, चलो। आयशा इनाया की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है कुरान की। आयशा इनाया की क्लास स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन कुरान की। ठीक है।
सलाम किया या सिर्फ चीजी का पूछा कि चीजी आई है चीजी नहीं आई, या चीजी का सिर्फ इंतजार था? पूछा नहीं पूछा? चलो वेरी गुड गर्ल, अच्छी सारी चिजियां, इतनी सारी। बोलो पापा को, आप ही अभी पढ़ रही है, पढ़ने के बाद आप ही की रख दो, आप ही की रख दो उठा के, बस ओनली अपनी ले लो, बस मुझे अपनी ले लो, बस अपनी ले लो जी। कुरान की क्लास हो गई जी, जल्दी से इसको फिनिश करो, फिर कुली करके खाना खाना है, ठीक है? मोहम्मद को भी खिलाओ ना अपने साथ, मोहम्मद को भी खिलाओ, मोहम्मद को भी तो खिलाओ ना अपने साथ। आशा की ऑनलाइन क्लास हो रही है, आशा 2 क्लास में पढ़ती हैं और आशा के स्कूल का नाम TPS इंटरनेशनल स्कूल। क्लास हो रही है इसकी, अब नाया इस रूम में क्लास ले रही है, ये नाया की भी ऑनलाइन क्लास हो रही है, इनाया 1 क्लास में पढ़ती हैं DPS में, सेम स्कूल में दोनों बहनें। और ये दोनों खूब मस्तियां कर रहे हैं। ज़ैनब क्यों परेशान कर रही हो भाई को? क्यों परेशान कर रही हो भाई को? ये उसको खूब परेशान कर रही है, बस थोड़ा सा टाइम है कि ये जब थोड़ा सा टाइम है बेटा, बड़ा होने दो इसको, फिर ये आपको बहुत परेशान करेगा। ये कौन खाएगा भाई? अदील साहब तो लेकर आ गए हैं, उन्हीं को ही खानी पड़ेगी, क्योंकि ये रोटी है, ये भी रोटी है ज़ैनब, आपको आज यही खानी पड़ेगी। ये भी रोटी है। ये मैंने जो कढ़ाई बनाई थी वो मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को और आदिल को बहुत भूख लगी हुई है, तो हम अभी खाना खाएंगे। ये रोटी है बेटा, ये भी रोटी है, भूख लगी है, मम्मा खाना दो, अभी गरम कर रही हूँ मैं खाना। इनाया इतने चक्कर आ रहे हैं आपको भूख से। खाना रेडी है, हो गया आपका खाना जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ैनब आपको भी बचा हुआ है, आपका भी बचा हुआ है। चलो अभी मम्मा जल्दी आपको फिनिश करवा रही हैं, मम्मा खिला रही हैं ना। और आपको अल्लाह मियाँ ने कैसा खाना दिया? अच्छा चाहते, मैं अल्लाह मियाँ क्या? अच्छा पहले खा लो फिर बात करना, ठीक है? खाना मिला,
क्या? पेप्सी? नहीं, पेप्सी नहीं पीनी है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, पापा ने अलाउ की है? नहीं, पापा ने अलाउ ही नहीं की है पेप्सी। फिर कैसे दे दूं मैं आपको? ऐसे ही दे दूं? ऐसे कैसे दे दूं? जो आप पहले पापा से पूछ के आओ। नो पेप्सी। नो। ठीक है, पापा ने नो बोल दिया। ठीक है, ओके। इनाय की क्लास अभी चल रही है। ये खुद ही करना है पूरा। इनाया बस लास्ट वाली क्लास है ये। बस लास्ट क्लास है इसकी। खाना खा लिया हम लोगों ने। इनकी बीच में ब्रेक आई थी तो हमने बीच में ब्रेक के हमने खाना खा लिया, क्योंकि लेट खाना नहीं खाया जाता हम लोगों से। शुक्र रहमतुल्ला। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ज़ैनब क्या हो रहा है? मज़ा चल रही हूँ। ये कश्मीरी क्यूट सी बेबी बनी हुई है। और कहाँ जा रही हैं आप? हैं पार्टी पे जा रही है। कौन सी पार्टी पे? ब्लू वाले पे। हैं ब्लू वाले पे। कौन सी पार्टी पे? आंटी के घर जा रही है। कौन सी आंटी के घर? ब्लू वाले पे। ब्लू वाली आंटी के पास? वो कौन सी ब्लू वाली आंटी है? वो मैं हूँ। अच्छा, यानी ये इनाया बैठी हुई है। ओहो, वाह वाह, मेकअप तो देखे भाई जैनब का। तैयारी तो देख ले आप। मैं जैनब सा जैनब की तैयारी तो चेक कर लें आप। आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये मेरे पास पार्लर का सामान भी है। वो इसलिए कि मैंने शादी से पहले काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने पार्लर का कोर्स किया है मैंने, और जॉब्स भी काफ़ी की है। और शादी के बाद यही सब कुछ पार्लर हो गया है मेरा। ये बच्चे, शोर और शादी वाली लाइफ तो आपको पता है, फिर कुछ आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं। बच्चे जब हो जाते हैं तो फिर आप कोई जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये यहाँ नहीं लगाते। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियोस के साथ साथ आप लोगों को ब्यूटी टिप्स और हेयर के लिपस्टिक लगाई है आपने, हेयर के मुतालिक भी आप लोगों को मैं बताती ही रहूँगी इंशाल्लाह। ये जो कह रही थी ना, मैं ब्लू वाली आंटी के पास जा रही हूँ। मैं हूँ ब्लू वाली। वही मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको मैं ब्यूटी टिप्स का भी बताऊँगी इंशाल्लाह साथ साथ, क्योंकि मोर देन 15 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है पार्लर का। और ये आयशा की क्लास नहीं हुई ना अभी तक? आयशा क्लास ले रही है। किससे बात कर रही हैं आप? फ्रेंड्स से बात कर रही हैं आप? तो क्लास हो चुकी है आपकी? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इनाया साहबा पता नहीं क्या बनी हुई है। और ये ज़ैनब मोहम्मद मेरी गोद में है। मोहम्मद नींद से उठ के बैठे हुए गोद। अच्छा जी, अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। हबक मिंटी। हबक मिंटी मतलब हबक वाली टी। हबक मिंटी। अच्छा, ये अदील साहब की फेवरेट टी है। शाम को पी जाती है। शाम को पी जाती है, लेकिन ये फेवरेट मेरी भी है। तो ये वही टी है जो हम लोग अक्सर हाईवे पे जाते हैं या विंटर में अक्सर बाहर बैठे होते हैं, कोयले लेकर, कोयले वाली चाय इसको बोलते हैं।
तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डलती, सिर्फ ये है कि पानी बॉयल होने से टू बाकी दो घंटे से बॉयल वाटर सिंपल अबक और मिंट वाली जो टी है ये अबक भी लाइट ग्रीन टी की किस्म में आती है। ये सऊदी बड़े शौक से पीते हैं और हम थोड़ी सी चीज़ें इसमें डालेंगे ताकि इसका प्यार केसी में डाला जा रहा है। इसकी जो टी पैक होती है बुशहर कबूस है, मशहूर है ये, मशहूर है और इसी की ही ये अच्छी बनती है। हाँ, इसी की अच्छी बनती है और ये लोग यही यूज़ करते हैं। ये हम डिप करेंगे। मैं अक्सर जब पॉलर में होती थी तो ये सऊदी काफ़ी ये इस पत्ती की इस चाय पीते थी तो अक्सर मैं पूछती थी उनमें, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अच्छा है। वो पीने में लिप्टन जैसी नहीं है, हाई टी जैसी नहीं है, इसका बिल्कुल डिफरेंट है। रेडी हो चुकी है, बस को हम डिप करेंगे बस सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए ताकि कलर जो है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जितना इसको डिप करेंगे उतना डार्क हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग होती है बहुत, ये लिप्टन की तरह स्ट्रॉन्ग होती है। ये आदिल ही अच्छी बनाते हैं, मुझसे नहीं बनती है ये टी। इसको ये टी इन्हीं के ज़िम्मे है, जब भी पीनी होती है इनको या मुझे तो ये खुद ही बनाते हैं और मेरा भी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। डाला है इसमें भी डाला है थोड़ा सा, हबक की जो खुशबू है मिंट से भी ज़्यादा। कभी हम शाम की चाय पीते हैं, कभी नहीं पीते, कभी ग्रीन टी पी लेते हैं, कभी ये वाली पी लेते हैं। हमारे ये दोनों के मूड पे डिपेंड करता है कि मूड है तो पी लेते हैं वरना नहीं। डेली का नहीं है, डेली रूटीन नहीं है हमारी। रेडी हो गई जी? चले अब आप और मैं इसको एंजॉय करते हैं थोड़ा। अच्छा जी, इनकी हो गई है क्लास फिनिश तो और ये लीजिए बेगम जी। ओए होए, मैं दे रही हूँ ये। ये ज़ैनब का दिल चाह रहा था कॉर्नफ्लेक्स खाने का और मेरा। तो ये इनाया का भी दिल चाह रहा था कॉर्नफ्लेक्स खाने का, तो जल्दी से फिनिश करो। इन दोनों को कॉर्नफ्लेक्स दिए और इनका दिल था कि मैं मिल्क पी लूँगी, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं खाऊंगी। मामा होमवर्क दिए, होमवर्क कौन सा होमवर्क है, किस चीज़ का? टेबल्स का। कौन सा टेबल? फोर और फाइव। फोर और फाइव का टेबल, जल्दी से पढ़ पढ़ के लिखो। फोर फोर फाइव कर अपना हो। अभी नया का होमवर्क हो रहा है। आई नया जी होमवर्क करके नया दूध पिएंगी डेली रूटीन के हिसाब से। दूध पी के फिर सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फिर क्योंकि दिन हमारा जो होता है वो पूरा ये एक्टिविटी के लिए होता है और रात जो होती है वो सोने के लिए होती है, है ना इनाया जी। फिर हम अच्छी सी दुआओं के साथ दुआएं रिवाइज करके फिर सो जाएंगे। इनाया जी, पढ़ने की दुआ कौन सी होती है? कौन सी होती है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाँ, जब आप स्कूल की ऑनलाइन क्लास लेती हो तो उससे पहले क्या पढ़ती हो? रब्बी ज़िदनी इल्मा। कितनी बार पढ़ते हैं? 3 times। वेरी गुड। क्या कर रही हैं आप? बिस्मिल्लाह।
वाहु अली अल अज़ीम। अच्छा जी, अब आप वो तीन सूरतें पढ़िए। तीन सूरतें। अर रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम याकुल लहु कुफुवन अहद। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلمة پڑھیے. अब मैं बच्चों से फ्री हो चुकी हूँ, बच्चे अपने अपने बेड पे जा चुके हैं, बच्चे सोने की तैयारी में हैं, मैं बच्चों की ड्यूटी से फ्री हुई हूँ। तो मैं जो डेली रूटीन में अपनी स्किन की भी जो केयर करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी कि जिस तरह मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ, जिस तरह मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, तो आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और आपको बताती हूँ, ये है लाल मसूर की दाल जो मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना ली है, और ये है चावलों का आटा, और ये है मुल्तानी मिट्टी, और ये है दूध, और ये हनी। इन सबको मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने इन सबको एक साथ मिक्स कर लिया है, और इनको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये अच्छा सा पैक बन जाएगा। और आपको ये फेस पे अप्लाई करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इससे काफ़ी स्किन ग्लो करती है, बहुत ही स्किन इससे सॉफ्ट हो जाती है।